तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज के वीडियो में कुछ ऐसे प्ले स्टोर के न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें आप जानकर चौंक जाओगे और बोलोगे हमें यह पहले पता क्यों नहीं था। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर वन जो ट्रिक है फ्रेंड्स, और जो दोस्तों जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो सब आपके काम की होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, देन यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग में आ जाना है। तो बहुत लोग बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए नेट ऑन करते ही यहाँ पर ऊपर कुछ ऐप्स डाउनलोड होने लगते हैं, अपडेट होने लगते हैं अपने आप। तो कई लोग बोलते हैं कि हम इसे मतलब ठीक कैसे करेंगे, ऐप अपडेट होता रहता है जिससे हमारा नेट थोड़ा स्लो हो जाता है, और कोई वीडियोस या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो बहुत स्लो हमारा नेट काम करता है। तो उसके मतलब उससे छुटकारा पाना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, इसमें जाना है। और यहाँ पर आपको ओवर वाईफाई ओनली या डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके डन कर देना। इससे आपका ऐप मतलब अपने आप अपडेट नहीं होगा, जब आप करना चाहो तभी होगा। तो फ्रेंड्स ये रही पहली। दूसरी जो ट्रिक है फ्रेंड्स, ये भी ऐप अपडेट के बारे में, ये मान लीजिए कुछ भी अगर जो आप चाहते हो कि हम अपना मतलब गूगल प्ले स्टोर का मतलब कोई भी नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में ना आने दे जिससे आपको परेशानी हो, मतलब उसका सारा नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हो, तो देन यहाँ पर आपको दिखेगा प्ले स्टोर में आकर थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर अकाउंट में जाना होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन में जाना है। और यहाँ पर आपको दिखेगा ऑन दिस डिवाइस ओनली अपडेट्स दिखेगा, तो इसे डिसेबल कर देना है। अब आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि या ऐप अपडेट क्या या कुछ भी, तो यह बंद कर देना है। तो देने यहाँ पर दोस्तों जो अगली जो ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आप कई बार देखते होंगे सर्च करने के बाद यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर का सर्च हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर पाते हो। तो आप एक साथ आप सभी को कैसे डिलीट करोगे, मान लीजिए एक एक करके तो डिलीट कर सकते हो बट एक साथ आप नहीं कर सकते। अगर जो एक साथ करना चाहते हो तो फिर से आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग, इस पर टाइप करना है और नीचे आपको आना है कलर लोकल सर्च हिस्ट्री, यहाँ पर इस पर टाइप करना है। यहाँ पर गाइस एक बार में टाइप करने के बाद आप दोबारा आकर देखेंगे तो आपका सारा सर्च हिस्ट्री डिलीट हो चुका होगा। तो ये रहा दोस्तों तीसरा ट्रिक। अब चलिए चौथा ट्रिक जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं से आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो और फ्रेंड्स आप चाहते हो कि मतलब उसे चेक करना कि ये ऐप सिक्योर है कि नहीं, तो फ्रेंड्स आप चेक करना चाहते हो तो फिर से आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्ले प्रोटेक्ट पर जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको नो प्रॉब्लम फाउंड स्कैन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके सारे ऐप्स को स्कैन करेगा और बताएगा जिस ऐप में भी प्रॉब्लम होगा बता देगा कि इस ऐप में प्रॉब्लम है, मतलब यह ऐप सिक्योर नहीं है, आप इसे डिलीट कर दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्कैन होने दीजिएगा कुछ देर, ये अपने आप अगर जो आपके फ़ोन में कुछ भी मतलब गड़बड़ होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो लिख देगा कि योर फ़ोन इज़ सिक्योर। तो यहाँ पर हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये एक बात आपको बता दूँ कि इसमें कुछ टाइम लगता है, आप लोग यह मत सोचिएगा कि यहीं पर अटक गया। देख सकते हो नो प्रॉब्लम फाउंड, यहाँ पर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो यह बोल रहा है। अगर जो किसी ऐप में भी प्रॉब्लम होगा तो उस ऐप का नाम बता देगा, आप उसे अनइंस्टॉल कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।